दोस्तों अब से बस कुछ देर बाद भारतीय टीम और न्यूजीलैंड की टीम के बीच पहले टेस्ट मैच के पांचवें दिन का खेल खेला जाने वाला है। यहाँ दोस्तों आज भारतीय टीम और न्यूजीलैंड की टीम में से ये पता लगेगा कि कौन सी टीम ये पहला टेस्ट मैच जीतने वाली है। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 345 रनों का स्कोर खड़ा किया था, तो वहीं उसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने 296 रन बनाए। और दोस्तों इसी के साथ भारतीय टीम के पास पहली इनिंग की 49 रनों की बढ़त बाकी थी। लेकिन दोस्तों जब इसके बाद भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत करी थी तो उनकी शुरुआत कुछ ज्यादा बेहतरीन नहीं रही थी, क्योंकि दोस्तों उनके 5 विकेट ही मात्र 51 रन के स्कोर पर गिर गए थे। जहां दोस्तों भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर पूरी तरह बेकार नजर आया था। लेकिन दोस्तों इसके बाद भारतीय टीम के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने चौथे दिन काफी अच्छी पारी खेली और भारतीय टीम की लड़खड़ाती पारी को संभाल लिया था। जहां दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से श्रेयस अय्यर और रविचंद्रन अश्विन ने छठे विकेट के लिए 51 रनों की पार्टनरशिप करी थी, तो वहीं दोस्तों इसके बाद श्रेयस अय्यर और ऋद्धिमान शाह ने सातवें विकेट के लिए 65 रनों की पार्टनरशिप करी। और इसके बाद ऋद्धिमान शाह और अक्षर पटेल के बीच आठवें विकेट के लिए नॉट आउट 67 रनों की पार्टनरशिप हुई थी। वहीं दोस्तों आखिरी के 6 बल्लेबाजों ने भारतीय टीम की लड़खड़ाती पारी को संभाला था, क्योंकि दोस्तों इन बल्लेबाजों ने आखिरी में आकर 150 से ज्यादा रनों की पार्टनरशिप करी थी और भारतीय टीम के स्कोर को 234 रन के स्कोर पर अपनी दूसरी इनिंग को डिक्लेयर कर दिया। और भारतीय टीम ने अभी तक 283 रनों की बढ़त बना ली है और न्यूजीलैंड की टीम को ये टेस्ट मैच जीतने के लिए 284 रनों का टारगेट दिया। और वहीं दोस्तों जब इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम चौथे दिन पारी की शुरुआत करने उतरी तो उनकी शुरुआत उस दिन अच्छी नहीं रही थी, क्योंकि दोस्तों 3 रन के स्कोर पर ही न्यूजीलैंड को पहला बड़ा झटका रविचंद्रन अश्विन ने देते हुए विल यंग को आउट कर दिया था और विल यंग बस 2 रन बनाकर आउट हुए थे। यहाँ दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक 4 रन बनाए हैं 1 विकेट के नुकसान पर। और वहीं दोस्तों अब न्यूजीलैंड की टीम को ये पहला टेस्ट मैच जीतने के लिए 280 रन बनाने हैं। वहीं दोस्तों भारतीय टीम को ये टेस्ट मैच जीतने के लिए अभी 9 विकेट लेने हैं। जहाँ दोस्तों भारतीय टीम को आज काफी अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी ताकि दोस्तों न्यूजीलैंड की शुरुआत पांचवें दिन अच्छी तरीके से ना हो पाए, क्योंकि दोस्तों अगर भारतीय टीम शुरुआत में ही न्यूजीलैंड को 2-3 झटके दे देती है तो भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को अपने नाम कर सकती है। क्योंकि दोस्तों भारतीय टीम को अभी 280 रन बचाने हैं और 9 विकेट झटकने हैं, तब जाकर भारतीय टीम ये टेस्ट मैच जीत पाएगी। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम न्यूजीलैंड की टीम को आज के दिन ऑल आउट कर पाएगी कि नहीं? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों ऐसे में अगर आप चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाली घंटी को दबाएं क्रिकेट से जुड़ी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।